Hello students, welcome to my channel Brain Booster. This is Jyoti and today I will tell you about the difference between SN1 and SN2. And what is SN1 and SN2? वो मैं अपने previous video lecture में आपके साथ share कर चुकी हूँ. और अगर आपने channel को अभी तक subscribe नहीं किया तो जल्दी से channel को subscribe करें, like करें और share करें ताकि मेरी videos आप तक जल्दी पहुँचे. So what is the SN1 reaction? And what is the SN2 reaction? So SN1 means that is the substitution nucleophilic unimolecular. ये जो SN1 है उसका फुल फॉर्म है. एंड व्हाट अबाउट दी SN2? दैट इज दी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूलर. बिकॉज हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंस इन बोथ. तो अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको दोनों के बारे में बता चुकी हूँ. अब SN1 और SN12 का फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिख दिया है जो कि हमारा क्लास 12th का चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन में सब टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो कि हमारे हेलो एल्केन्स देते हैं. एंड हाउ दे आर गिविंग दी दैट मैंने मैकेनिज्म भी आपको बता दिया है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंस. तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है? इनके नाम से ही पता चल रहा है ये यूनिमोलिक्यूलर है, दैट इज दी बायोमोलिक्यूलर. एंड दैट शोज दैट दिस रिएक्शन डिपेंड अपॉन ओनली ऑन द मोलार कंसेंट्रेशन ऑफ हैलो एल्केन, नॉट ऑन द न्यूक्लियोफाइल. तो यहां हम लिख लेते हैं दिस रिएक्शन डिपेंड्स only on molar concentration. किसकी concentration पे depend करेगा? molar concentration of haloalkane, not on the concentration. किसके ऊपर depend नहीं करता है? not on the concentration of nucleo fine. If we are getting a MCQs in a board examination, that SN1 depends upon किसके ऊपर? It depend upon on the molar concentration of the haloalkane, or we can say alkyl halide, but it is not depend upon the nucleophile. जबकि जो हमारा SN2 है, SN2, this reaction depends on both concentration. ये दोनों की concentration, दोनों कौन है यहाँ पे? This reaction depends on both concentration. Is that concentration किस किस की? Concentration of alkyl halide, और हम इसे haloalkane कह सकते हैं. Haloalkane एंड न्यूक्लियोफाइल. ये जो हमारा रिएक्शन है ये दोनों पे डिपेंड करेगा. दोनों जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है और जो हमारा हेलो एल्केन है उन दोनों की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है. यहाँ पे जो हमारा रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है? दैट इज ओन दी कंसेंट्रेशन ऑफ दी हेलो एल्केन. तो हम यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो लिख सकते हैं. किस प्रॉपर्टी को हम डिस्कस कर रहे हैं? विच प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर? दैट इज दी कंसेंट्रेशन. किसकी कंसेंट्रेशन? कंसेंट्रेशन. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने ये ले ली है कंसेंट्रेशन. दिस SN1 डिपेंड अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ हेलो एल्केन एज वेल एज सॉरी ओनली ऑन द हेलो एल्केन, बट SN2 डिपेंड अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ हेलो एल्केन एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल. अब हम सेकेंड जो डिफरेंस है वो लिख लेते हैं. व्हाट इज द सेकेंड डिफरेंस हियर? अब मैंने अपने ऑलरेडी जो वीडियोस आपके साथ शेयर किया है उसमें बताया हुआ है कि ये जो हमारा SN1 रिएक्शन है इट इज 2 और 3 स्टेप रिएक्शन, जबकि हमारा जो SN1 है इट इज ओनली 1 स्टेप रिएक्शन. तो हम यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे
आप हेडिंग डाल सकते हैं नंबर ऑफ स्टेप्स। तो यहां पे नंबर ऑफ स्टेप्स में जो SN1 है, दिस रिएक्शन मे नॉट मे, इट इज 100% दिस रिएक्शन कैरिड आउट, दिस रिएक्शन कैरिड आउट इन टू स्टेप्स। ये जो हमारा रिएक्शन है ये टू स्टेप्स में कैरिड आउट होता है। और यहां पे जो हमारा SN1 है इट इज सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये क्या है? सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन। सो सेकेंड डिफरेंस हमारा ये हो गया, ये जो हमारा रिएक्शन है ये हमारा सिंगल स्टेप में नहीं होता है, जो SN2 है वो सिंगल स्टेप में हो जाता है। ओके, सो व्हाट इज द थर्ड डिफरेंस, व्हाट इज द थर्ड डिफरेंस हियर? यहाँ पे इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है, यहाँ पे इंटरमीडिएट नहीं बनता है, ट्रांजिशन स्टेट आती है, बट दैट इज वेरी अनस्टेबल। ओके, सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। जो हमारा SN1 रिएक्शन है यहाँ पे इंटरमीडिएट बनेगा। इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट क्या होता है? इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन इज फॉर्म, यहां पे वो बन जाता है। जबकि जो हमारा SN2 रिएक्शन है उसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता, एक छोटी सी ट्रांजिशन स्टेट आती है एंड इजीली कन्वर्टेड इनटू द फर्स्ट फाइनल आर प्रोडक्ट। यहां पे लिखते हैं नो इंटरमीडिएट, नो इंटरमीडिएट फॉर्म्ड, यहां पे कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता। ओके ओके, सो नाउ व्हाट शुड बी द फोर्थ डिफरेंस? अगर आपको भी कोई डिफरेंस आता है तो आप मेरे साथ मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। व्हाट वुड बी द नेक्स्ट डिफरेंस? SN1 रिएक्शन जो है वो कौन जल्दी देगा, जिस जो हमारा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी हमारी जो मैंने टॉपिक्स हेडिंग्स दी है, प्रॉपर्टी दी है, उनके बेस पे हम डिफरेंस लिख रहे हैं। तो फोर्थ डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा? हेयर टर्शरी एल्काइल हैलाइड और हेलोएल्कीन, हैलाइड आर मोर स्टेबल, सो दे give this reaction faster than secondary and primary. तो यहां पर order क्या हो जाएगा? Tertiary will give you and then will give you secondary and then the primary. बहुत बार हमें board में question आ जाता है कि what should be the order for SN1 फॉर एल्काइल हैलाइड, कौन सा एल्काइल हैलाइड आपको SN1 रिएक्शन पहले देगा? तो टर्शियरी हैलाइड विल गिव फर्स्ट, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी फॉर द SN1 रिएक्शन। जबकि जो हमारा SN2 रिएक्शन है वहां पे अगर हमारा जो हैलाइड है, अगर जो हमारा एल्काइल हैलाइड है, जितना ज्यादा उसके पास जो एल्काइल ग्रुप बल्की होते जाएंगे उतना ज्यादा रिएक्शन जो है हमारा स्लो होता जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? हमारा प्राइमरी विल गिव दी फास्टर देन सेकेंडरी देन टर्शरी, ये हमारा यहाँ पे ऑर्डर रहेगा। सो यू कैन सी द ऑर्डर इज टोटली रिवर्स। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि प्राइमरी हैलो एल्केन विल गिव SN2 रिएक्शन faster, because क्यों देता है? Because no hindrance is there, कोई बल्की ग्रुप नहीं होगा तो कोई हिंड्रेंस नहीं होगी। तो these are the differences। ये हमारा जो SN1 है वो सिंगल स्टेप, सॉरी टू स्टेप रिएक्शन है, जो SN2 है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है। हमारा SN1 जो है इट डिपेंड ओनली ऑन द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द हैलोएल्केन, वेयर एज जो SN2 है इट डिपेंड अपॉन द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज द हैलोएल्केन।
यहाँ पे इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है, यहाँ पे इंटरमीडिएट नहीं बनता है, एंड हियर द जो ऑर्डर है दैट वुड बी टर्शरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी. इन एसएन टू इट वुड बी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी. अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे आप नोट करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक. टिल देन यू टेक केयर. बाय बाय.